मेरे प्यार बहन भाई और मित्रों, के सेवा जमात करने वाले एट्रसिस SB65G के बारे में, इसके क्या फायदे क्या नुकसान, प्रयोजन का जाने वाले हो। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पुराने से पुराने दाद हो रहे हैं तो उस दिक्कत में भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। या फिर आपके खुजली हो रही हो, या फिर आपके जांघों के बीच में खुजली या पुराने से पुराने दाद हो रहे हो तो उस दिक्कत में भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपके चेहरे पर कील मुआवशे हो रहे हो तो उस दिक्कत में भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। और दोस्तों, अगर घुमोरी हो रही हो तो उस दिक्कत में भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके शरीर पर कभी कभी आपके शरीर पर यानी कि छोटे छोटे लाल चकते हो जाते हैं तो उस दिक्कत में भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। या फिर आपके शरीर पर फोड़ा फुंसी निकल गई हो, दिक्कत में भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। दोस्तों, कर्निक अट्रेनी हो जाना यानी कि पुरानी से पुरानी अगर आपको खुजली है उसमें भी आप इसको ले सकते हो। या फिर अटोपिक डर्मेटाइटिस है इसमें भी आप इसको ले सकते हो। या फिर स्किन पर खुजली सूजन आना, कॉन्ट्रैक्ट डर्मेटाइटिस, रेडनेस, खुजली, इचिंग, ड्रग्स साइड इफेक्ट होना, दिक्कत में भी आप इस प्रोडक्ट का यूज कर सकते हो। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपको दो बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। नंबर वन, अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज कर चुके हैं और आपको कोई भी परेशानी या किसी भी तरीके का अन्य साइड इफेक्ट दिखा है तो घबराए नहीं, तुरंत इस प्रोडक्ट को लेना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। नंबर टू, किसी भी प्रकार की अन्य मेडिसिन या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट अपने डॉक्टर के सलाह के नहीं लानी चाहिए, क्योंकि मरीज की, पेशेंट की उम्र अकॉर्डिंग अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों हर आदमी के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, उनके हार्मोन्स के ऊपर, उनकी उम्र के ऊपर, उनके वजन के ऊपर उनकी जांच करवाने के बाद डॉक्टर दवाइयां देता है। इसलिए दोस्तों पहले अपने डॉक्टर से परामर्श यानी कि संपर्क करें, क्योंकि दोस्तों जान है तो जहां है, वरना सब मिट्टी समान है। तो दोस्तों ये थी एट्रसिस SB65MG कैप्सूल की इंफॉर्मेशन फुल जानकारी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। चेतावनी, इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से पूछें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।